नमस्कार दोस्तों, शगुन मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठे कद्दू के फूल का पकौड़ा। ये पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हमें इस तरीके से मीठे कद्दू का फूल ले लेना है, कुछ इस तरीके से ये फ्लावर्स होते हैं, और इन्हें मुझे काट लेना है। मैं काट कर आपको दिखा दूँगी किस तरीके से काटना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे कैसे काटते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमें फ्लावर के निचले हिस्से को काट लेना है। इससे क्या होता है, इसमें जो कड़ा एक स्टिक जैसा रहता है इसे हम निकाल लेंगे। यही हमें निकाल देना है, इसे हमें नहीं खाना है। तो इसे हम निकाल देंगे और नीचे का सारा मोटा डंठल जो रहता है उसे हम काट के निकाल देंगे। तब इसे हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। बहुत ही नाजुक हाथों से धोइएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं फ्लावर। मैंने इसे बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से धो लिया, आप भी इसे इसी तरीके से धो लीजिएगा, बहुत ही हल्के हाथों से, वरना इसमें एक अजीब से निशान पड़ जाता है। तो मैंने ये धो लिया है, अब चलते हैं इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 5 बड़े चम्मच बेसन लिया है, और ये फ्लावर वेस्ट बंगाल में, बिहार में तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। एक बार ज़रूर इसे बनाकर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा ले लिया है। तो इसमें मैं ले लूँगी 1 बड़ा चम्मच पोस्तो दाना, पॉपी सीड भी कहते हैं इसे, पोस्तो दाना भी कहते हैं। 1/2 चम्मच ले लूँगी नगीला सीड, कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी 1 चम्मच, हल्दी ले लूँगी 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार ले लूँगी मैं। अब इन सबको अच्छे से ड्राई मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं पानी डालूँगी, पानी डालकर एक अच्छा बैटर तैयार कर लूँगी ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। तो मैंने पानी डाल डालकर इस तरीके से स्मूथ बैटर तैयार कर रही हूँ। तो कुछ 5-10 मिनट इस तरीके से घोलने के बाद ही बैटर इस तरीके से दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी में तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम ये फ्लावर को डिप कर लेंगे। आप चाहें तो 1 बाय 1 डिप करके भी तल सकते हैं। मैंने इसे एक बार में ही डिप कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये टूट सकता है, इसलिए आप 1 बाय 1 डिप करके ही फ्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हमें एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें सरसों तेल डाल लेना है, और जब तक कि सरसों तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब तक हमें वेट करना है। तो हमारा सरसों तेल अब गर्म हो चुका है, इसमें हम अब अपना फ्लावर फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी एक्चुअली एक बंगाली रेसिपी है, मैंने अपने एक फ्रेंड के घर खाई थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने उनसे इसकी रेसिपी पूछी, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं इसे बहुत बार बना चुकी हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार बना के खाइएगा। मेरे हिसाब से ये हमारे लिए यूनिक रेसिपी है क्योंकि ये बंगाली रेसिपी है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बट ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इस तरीके से हम पलट कर फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है, और ये मीडियम टू हाई में बहुत अच्छा फ्राई होता है क्योंकि ये फ्लावर बहुत ही सॉफ्ट होता है, और मैंने इसमें इसकी कोटिंग में मैंने डाली है चावल का आटा बेसन, तो इससे एक क्रंच, आउटसाइड से एक क्रंची टेस्ट होता है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे अच्छे अलट पलट कर फ्राई करके। तो हमारा ये लगभग ब्राउन हो चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने ये रेसिपी पहले खाई है। तो हमारा ये पकौड़ा तैयार हो चुका है तलकर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।